सहज, सह माने आपके साथ और ज माने जन्मा हुआ। ये योग का साधन आपके साथ जन्मा हुआ है, माने जैसे एक जीवंत क्रिया है। ये एक जीवंत क्रिया है, जीवंत शक्ति है जो हमारे अंदर कार्यान्वित है। अब हमें कहा जाता है कि हम अमीबा से इंसान बन गए, सो कैसे बने, किस तरह से बने, किसने बनाया, हमें तो कुछ पता नहीं किस तरह से बन गए। सहज बने, जो एक आप बीज जमीन के अंदर लगा देते हैं उसमें जो अंकुर आता है वो सहज है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो सहज है क्योंकि एक जीवंत क्रिया है। जितनी भी जीवंत क्रिया है वो सहज है। हमारा श्वासोच्छ्वास लेना भी एक सहज क्रिया है। अगर हमें श्वासोच्छ्वास लेने के लिए किताबें पढ़नी पड़े और या तो किसी से सीखना पड़े तो न जाने कितने लोग जी सकेंगे। इसी प्रकार कुंडलिनी की भी जो शक्ति है वो भी सहज में ही जागृत होती है। ये शक्ति अंदर हमारे अंदर निहित है, हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में, और उसे हम मूलाधार कहते हैं, माने वो हमारे मूल जो कि कुंडलिनी है उसका आधार है। हमारे अंदर जो मन या माइंड नाम की संस्था है वो एक मिथ्या बात है। वो मिथ्या ऐसी है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर ये मन नाम की बात कोई नहीं होती। जब धीरे धीरे हम बाह्य में प्रतिक्रिया करते हैं दोनों तरह से, या तो कोई हमें संस्कार बनाता है और कोई हमारे अंदर अहंकार का भाव जागृत होता है, तब उन प्रतिक्रियाओं से जो हमारे अंदर चीज जागृत होती है वो बुलबुलों की तरह इकट्ठी हो जाती है, और ये हमारे विचारों के बुलबुले हमारे अंदर मन नाम की एक कृत्रिम संस्था बनाते। ये सारी चीजें हमारे अंदर ऐसी घटित होती है कि जिससे हम खुद ही बना करके और उसी की गुलामी करते हैं। जैसे घड़ी इंसान ने बनाई है और हम घड़ी की गुलामी करते हैं। सहज में फिर आप कालातीत हो जाते हैं, आप इससे परे हो जाते हैं। समय आपके साथ चलने लगता है, आप समय के पीछे नहीं दौड़ते। अब कंप्यूटर आजकल लोग बना रहे हैं, कंप्यूटर के बनाने से उसी की गुलामी लोग करने लगे और उस गुलामी में इस कदर बह गए हैं कि वो ये नहीं समझ पाते कि कंप्यूटर ही उनको पूरी तरह से दबोचे हुए है, उनको कंट्रोल कर रहा, उसके ताबे में आ गए, उसके काबू में आ गए और उसके बगैर इनका कुछ काम नहीं चलता। दो और दो को मिलाना के लिए भी कंप्यूटर आपको चाहिए, वो भी आप नहीं मिला पाएंगे क्योंकि अपनी बुद्धि आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो आपका जो मस्तिष्क में बुद्धि का वास्तव्य है वो तो सत्य है, किंतु ये जो मन है ये एक बनाई हुई कृत्रिम हमारी अपनी तरफ की जो प्रतिक्रियाएं हैं अहंकार की और हमारे संस्कारों की, वो बनी हुई एक बहुत ही कृत्रिम सी एक क्षणिक चीज है। फिर हम इसी से हमेशा प्लावित रहते हैं, खास करके जो लोग अपने को बहुत ही सोचते हैं कि हम बहुत विद्वान, बहुत समझदार, बड़े पढ़े लिखे हैं,
उन्होंने इस मस्तिष्क को पूरे तरह से इस मन से भर दिया, मन इनके ऊपर छाया हुआ, और जहाँ चाहे मन वहीं बहकते रहते हैं, उस बहाव में बहकते रहते हैं, उस ओर चलते रहते हैं। एक कृत्रिम सी चीज़ अपने अंदर स्थापित हो गई है जिसे हम मन कहते हैं। असल में मन नाम की कोई चीज़ न थी न है, इसीलिए मन से परे जाना ही सहज का कार्य। जब आप मन से परे जाएंगे तभी आप उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मन हमेशा विचारों से, जो कि अहंकार और हमारे संस्कार प्रति अहंकार से आते रहता है, उसे आडोलित, इसलिए कोई शांति आप महसूस नहीं कर सकते। अगर शांति को आपको प्राप्त करना है तो इस कृत्रिम मन से परे जाना चाहिए, और इसीलिए हमारे यहाँ जो प्रथम दशा सहज की मानी जाती है, जिसे कि हम निर्विचार समाधि कहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहिए। उसके प्राप्त करते ही आप देखते हैं कि आप शांत हो जाते हैं, आपके अंदर जमे हुए जो कुछ विचार हैं जो कि एकत्रित हो गए और जिनके कारण आप गलत गलत चीज़ों में घुसे रहते हैं और परेशान रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, वो सभी एक तरह से चीज़ मिट जाते हैं। ये विषय आज नया मैंने शुरू किया है, क्योंकि अब भी हमारा निर्विचार में समाधिस्थ होना कुछ कम है, और जब तक आप निर्विचार में उतरेंगे नहीं तब तक आप चारों तरफ फैली इस परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, उससे संबंधित नहीं थे। यही जो बीच में मन की जो स्थापना हुई है, यही आपकी स्थिति जो कि योग में होनी चाहिए उसे खत्म कर। जब चेतना हमारे अंदर प्रवेश करती है तो त्रिकोणाकार अस्थि, त्रिकोणाकार या कहें कि प्रिज्म के जैसे मनुष्य का मस्तिष्क है, ब्रेन है। उस वक्त उसमें तीन आकार आते हैं, उसमें से एक तो सीधे ही पूरी की पूरी जैसी है, वो हमारे अंदर घुस करके और त्रिकोणाकार अस्थि में बैठ जाती है, और बाकी की दो शक्तियां, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में दो तरह की जो दो तरह के सेल्स होते हैं, उसके कारण हमारे अंदर घुसने वाली जो चेतना है उसमें रिफ्रैक्शन आ जाता है, और जो इधर से आती है वो इधर आ जाती है, और इधर से आती है वो इधर आ जाती है, माने जो लेफ्ट से आती है वो राइट की तरफ आ जाती है, और जो राइट से आती है वो लेफ्ट की तरफ जाती है, और जहाँ ये दोनों मिल जाते हैं वहीं पर आपका आज्ञा चक्र बना हुआ। अब ये जब हमारे शरीर के अंदर घुसती है तो उसका बहुत सा भाग, क्योंकि इस तरह आई हुई, उसका बहुत सा भाग तो अंदर चला जाता है और उससे कहीं अधिक भाग बाहर की तरफ आ जाता है इस चेतना का, और इस वजह से मनुष्य जब किसी चीज को देखता है तो उस पे वो रिएक्ट करता है, उसके ऊपर उसको विचार आते, कोई भी चीज को देखते साथ उसे विचार आएगा और वो विचार उसके अंदर घुसते हैं, और उस विचारों से ही आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे अंदर ईगो और मन ऐसी दो भावना। जब हम संस्कारों से बहुत ज्यादा प्लावित हो जाते हैं या हमारे अंदर बहुत सारे संस्कार भरे जाते हैं तो हमारे अंदर लेफ्ट साइड का मन, जिसे कि सुपर ईगो कहते हैं, बनता है, और जब हम बहुत ज्यादा ये विचार करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, आगे क्या करना है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस तरह की अहंकार की जो भावना है वो आपके अंदर दूसरी साइड में आ जाती है, किंतु इसकी नाड़ियां बिल्कुल उल्टी दिशा में। इसीलिए जब मनुष्य को पैरालिसिस होता है तो आपने देखा होगा कि अगर उसके सर में क्लॉट कर लेफ्ट में आया हो तो उसका पैरालिसिस राइट में होता है। अब ये जो तीन नाड़ियां हैं, पहली नाड़ी, दूसरी और तीसरी, इसमें से जो पहली नाड़ी है उसे अनेक नाम से संबोधित किया जाता है,
इसे कोई कोई चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, पर सहयोग में हम इसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं, और राइट साइड में जो नाड़ी है उसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, उसको बहुत से लोग सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और वास्तविक इन दोनों पर चंद्र और सूर्य का ही प्रभाव है। अब जब लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है ये सूक्ष्म रूप से स्थित है, किंतु इसे हमारे अंदर जो लेफ्ट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी चालना होती, और राइट साइड में जो नाड़ी है जिसे कि हम पिंगला कहते हैं, इसे राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चलती है। लेकिन ये स्वयं नाड़ियां अत्यंत सूक्ष्म तरह से कार्यान्वित रहती है। ये दोनों ही हमारे अंदर कार्यान्वित रहती है। जैसे कि जब हम कोई इच्छा करें तो लेफ्ट की नाड़ी चलती है, और जब हम उसमें कार्य करते हैं उस इच्छा पर तो राइट की चलती है। इस प्रकार हमारे अंदर ये दो नाड़ियां, पर इसके अलावा तीसरी नाड़ी हमारे अंदर है जिसे सुषुम्ना ऐसे कहते हैं। कबीरदास ने कहा ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी में, और जिस तरह से अथॉरिटी के साथ उन्होंने कहा, इतने अधिकार वाणी से सारी बात कही है, वो बहुत पहुंचे हुए पुरुष थे तो उन्होंने इतने अधिकार वाणी से कहा कि पाचो पचीसो पकड़ बुलाऊं एक दौर उड़ाऊंगा। ये जो सारी बातें हैं कबीर आप पढ़िए तो समझ में नहीं आएंगी जब तक आप सहयोग नहीं जानेंगे। सहयोग से ही आप जान सकते हैं कि कबीर ने ये सब बातें क्यों कही। ईड़ा नाड़ी से हम इच्छा करते हैं, और जो हमारी इच्छाएं हैं जो पूर्ति नहीं हुई, जिस पर हमने कार्यान्वित नहीं किए, या हमारे अंदर जो संस्कार आते हैं, या हमारा जो कुछ भूतकाल है, या जैसे आज सवेरे का भूतकाल हुआ, ये क्षण है, इससे पहले का भूतकाल हो गया, इसके बाद हमारे जन्म से जो भूतकाल हो गया, इसके बाद हमारे पूर्व जन्म से जितना भूतकाल हो गया, फिर इस संसार में जो कुछ मरा हुआ है जो भूतकाल में है, वो सारा की सारा इस ईड़ा नाड़ी के उस तरफ में लेफ्ट साइड। मनुष्य में सारा ही विश्व समाया हुआ, सारा ही विश्व उसके अंदर समाया हुआ, और जो राइट साइड की जो पिंगला नाड़ी है जिससे हम कार्य करते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे शारीरिक कार्य और मानसिक तो सीखने बौद्धिक कार्य करते हैं, वो सब राइट साइड से। और ये जो राइट साइड की पिंगला नाड़ी है ये हमारे अंदर अहंकार जरूर दे देती है। लेफ्ट साइड से हमारे अंदर मन की, यानी एक जिसे सुपर ईगो कहते हैं, वो चीज आ जाती है, और राइट साइड से हमारे अंदर अहंकार की चीज आ जाती है। कोई सी भी एक नाड़ी ज्यादा चलने से मनुष्य में संतुलन टूट जाता है। अगर आपकी लेफ्ट साइड बहुत चलती होगी तो आप बहुत निंदे आदमी होंगे, आप बहुत डरपोक होंगे और आप सबसे डरेंगे। लेकिन अगर आपकी राइट साइड चलती होगी तो आप बहुत ज्यादा दूसरों पे आतताई होंगे, एग्रेसिव होंगे, आप पे अहंकार आ जाएगा। जब लेफ्ट साइड चलती है तो मनुष्य धीरे धीरे खिसकते, जैसे कोई आदमी बहुत रोता है, और बहुत सी औरतों में आदत होती रोने की कि मेरी माँ बड़ी अच्छी थी, बाप अच्छे थे, ये है वो है, रात दिन कोई चीज लेकर रोते रहते हैं, ऐसे लोग सब लेफ्ट साइड में खिसकते चले जाते हैं। जब वो लेफ्ट साइड में खिसकते चले जाते हैं तो उनके अंदर बहुत सी विकृति आ जाती है जिसे हम मानसिक विकृति कहते हैं। जैसे बहुत से लोग पागल हो जाते हैं किसी शौक से, एक आध शौक लगा, एकदम से आघात आया, घबरा गए तो लेफ्ट साइड से चले गए। पागलपन, डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया, इस तरह के जो रोग है वो सारे आपके लेफ्ट साइड से। पर उसके अलावा ऐसे भी रोग है कि जो हम असाध्य रोग कहते हैं वो भी लेफ्ट साइड के ही कारनामों से आते हैं। लेकिन लेफ्ट साइड से भी आप में रोग हो सकते हैं। जबकि लेफ्ट साइड आपके अंदर चलती है तो आप एक तरह से लिथार्जिक यानी आलसी आपके सब ऑर्गन्स हो जाते हैं। उसके कारण होने वाले रोगों में अनेक से रोग हैं, जैसे एलर्जीज आ जाए आपके अंदर में, या आपके अंजाइना, कोई सी भी स्लगिशनेस जिसको कहते हैं, उससे ये रोग होते हैं। पर सबसे जो बुरी बात है तो लेफ्ट साइड में जाने से मनुष्य जो है उसमें कोई कर्तृत्व नहीं रह जाता, और वो हमेशा दुनिया से डरते रहता है, भागते रहता है, और वो बेकार हो जाता है।
इस कुंडली जी के नीचे में जो आप देख रहे हैं लाल रंग का चक्र है, यह हमारा मूलाधार चक्र है और जिसमें कुंडलिनी बसी हुई है उसे हम मूलाधार कहते हैं, माने वो उसका घर है। नीचे जो लाल रंग का आप देख रहे हैं ये मूलाधार चक्र है और ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। इस चक्र के ही कारण कुंडलिनी को सब कुछ ज्ञात होता है और ये चक्र हमारे अबोधिता का, हमारे भोलेपन का, हमारे इनोसेंस का कर्ता धरता है। आजकल जो मैं आपको बता रही थी कल कि अमेरिका में जो उपद्रव शुरू है उसका कारण यह है कि अनीति के कारण इस चक्र को उन्होंने बहुत बुरी तरह से ढक लिया। इसकी शक्ति ही नष्ट होने की वजह से वहाँ इतनी गंदी गंदी बीमारियां जैसे कि एड्स और दुनिया भर की हुई है वो इसी चक्र को रोक है। और इस चक्र की खराबी हो जाने से अगर आपकी पत्नी या पति में कोई इस तरह की बाधाएं हो तभी यह चक्र खराब हो जाता है और उस वक्त मनुष्य की मस्तिष्क तक इसका असर आ सकता है और बहुत से रोग जिन्हें कि हम साइकोसोमेटिक कहते हैं उनमें से खास कर जिसमें कि आपके मसल्स कमजोर होते जाते हैं वो इसी चक्र के बिगड़ जाने से। अब इस चक्र का संबंध आपके पेल्विक प्लेक्सस के साथ सिर्फ शारीरिक स्तर पे है, फिजिकल पे और मानसिक में भी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसी चक्र से एक पूरी नाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है और यही आपकी ईरा नाड़ी है और चंद्र नाड़ी। ये नाड़ी ऊपर में जाकर के जो नीले रंग का जो एक संस्था को तैयार करती है यही हमारा एक तरह की मन है और इस मन के अंदर हर तरह के संस्कार घट जाने पर वो इस तरह से गुब्बारे के जैसे एक बलून अपने सर में इस तरह से छा जाता है जिसे कि हम कह सकते हैं कि जो कुसंस्कार होते हैं उसको लोग कहते हैं कि वो सुपर ईगो बन जाता है। कुसंस्कारों में ऐसे संस्कार कि हम अगर किसी गलत गुरु के पास गए, हमने कोई गलत धर्म ले लिया, हम लोग गलत लोगों के पीछे भागते रहे, इसके अलावा हम तांत्रिकों के पीछे भागते रहे या हम ऐसे लोगों के पास गए कि जिनका धर्म से कोई सरोकार नहीं, मतलब नहीं और जो धर्म के नाम पे बड़े ही उष्ट गुरु लोग हैं उनके पास जाने से इसमें बहुत से दोष आ जाते हैं। इस नाड़ी को हम लोग चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और आप जानते होंगे कि लूना अंग्रेजी में कहते हैं चंद्र को और लूनसी कहते हैं पागल को। जब ये चंद्र नाड़ी खराब हो जाती है तो मनुष्य में सारे मानसिक सुधार आ जाते हैं। अब आपसे एक माँ के प्यार की बात कहनी पड़ेगी। आप अपने को कोई भी किसी प्रकार का दोषी या पापी मत समझे। ये सब लोग यही बताते कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म खराब थे तो मैं क्या करूँ, तो तुम काहे के लिए मेरे से पैसा ले रहे हो। जब पूर्व जन्म तुम्हारा अच्छा होता तो हम तुमको पार करा, लेकिन तुम्हारा पूर्व जन्म खराब है इसलिए सब हम कुछ नहीं कर सकते और हमें पैसे भी दे दो तो शायद वो तुम्हारा पूर्व जन्म ठीक कर देंगे। लग गए लोग पैसे देने, उससे कोई मतलब नहीं। आज के अंदर कोई दोष नहीं मेरी नजर में, मैं एक माँ हूं, माँ के लिए बच्चे में कोई दोष नहीं है। और आप कोई भगवान तो है नहीं जो दोष न कर, तो आप भगवान होते तो ठीक, अब भगवान नहीं इंसान, और इंसान गलती करता है और उसकी माफी करनी पड़े क्योंकि ये जो परमात्मा की शक्ति है ये क्षमा का सागर, ये क्षमा का सागर और इसके क्षमा की शक्ति के आगे आपकी कोई भी गलतियां टिक नहीं सकती, सब कट हो जाए और दूसरे जो हो गया तो हो गया, बीत गई सो बीत गई, अभी उसे क्यों अपने कंधे पे ले जा रहे हैं। जब ये चक्र है
इससे पकड़ जाए लेफ्ट, और ये चक्र जब पकड़ जाता है तो आपको अनजाना की बीमारी हो सकती है, आपको दूसरी बीमारियां अनेक हैं, लेकिन खासकर स्पॉन्डलाइटिस बीमारी। तो काहे ऐसी बेकार की चीज यहाँ पाल रहे हैं, जो हो गई सो हो गई। आप कोई दोषी नहीं और आप कोई पापी नहीं। जो आपसे कहते हैं कि आप पापी हैं, वही स्वयं पापी है और वही दोषी। अपने प्रति प्रसन्न चित्त हो, क्योंकि आप आए दरबार में बैठे, आप चाहते सत्य को, आप में क्या दोष हो सकता है। कृपया अपने अंदर जान लीजिए कि आप हमारी नजरों में दोषी नहीं करते। और दूसरी बात ये कि आप अपने को तो माफ कर दीजिए और दूसरों को भी एक सार माफ कर, एक सार माफ, क्योंकि जो दूसरे हैं उनको माफ न करने से आप अपने को छल रहे हैं। माफ करें या न करें कुछ नहीं करते, क्या करते हैं आप, कुछ नहीं करते। लेकिन अगर आप दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो आप ये जो चक्र है आज्ञा के पीछे में आपकी चैन में यू तंग बिल्कुल, इसमें से कुंडलिनी गुजर ही नहीं सकती। इसलिए एकदम से आप कह दीजिए कि हमने सबको माफ कर दिया, माफ मन में ऐसे खुल जाएगा और कुंडलिनी उसमें से गुजर जाए। सबको माफ कर, एक सार मतलब ये कि किसी को याद करने की जरूरत नहीं, वो भी एक साल तक किसी को याद मत करिए, बस एक साल का ये माँ मैंने सबको माँ, बड़ा अच्छा लगेगा। वो तो बहुत से घूम रहे हैं और आप अपने को ढूंढ रहे हैं, सबको आप माँ। फिर से मैं कहूंगी कि अपने प्रति प्रसन्न चित्त हो, किसी बात की पैर में जब जूते पहने हो तो उसे उतार थोड़ी देर। पहली बार तो मैं अंग्रेजों से कहा कि भाई जूते उतार दो तो आगे आगे चले गए बाहर, तो सारे ऐसे वो जानते और समझदार। अच्छा और जो लोग कुर्सी पे बैठे दोनों पैर अलग कर, अलग अलग कहते हैं, हिंदी में अलग कहते हैं, मैं अंग्रेजी में कहूं। अपना राइट हैंड मेरी ओर, और सर झुका के लेफ्ट हैंड से बालों पर देखें कि कोई ठंडी या गर्म हवा आ रही है। Please see if there is cold or hot, please coming out of your fontanelle bone area with your left hand and the right hand towards me. Bend your head, please. देखिए, शंका नहीं करने, थोड़ा सा आगे पीछे घुमा के देखिए। अगर गर्म ठंडी हवा आ रही है इसका मतलब है आपने अपने को भी माफ नहीं किया होगा और हो सकता है दूसरों को माफ नहीं किया, तो वो करिए। ऐसा नहीं सोचना कि
ऐसे कैसे इतने जल्दी कैसे हो सकता है? हो ही सकता है, होता है और होएगा। आप लेफ्ट हैंड में जाओ, प्लीज पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी नाउ। आप सर झुका लें, प्लीज बेंड योर हेड और राइट हैंड से देखिए कि सर से ठंडी या गर्म हवा आ रही है। Please see with your right hand if there's a hot or a cool breeze like vibration coming out of your fontanelle bone area. If they are hot, please forgive yourself and others. अगर गर्म हवा आ रही तो आप दूसरों को भी क्षमा करें और अपने को भी क्षमा करें मन में। अब राइट हैंड में लियो फिर से एक बार आखिरी बार और सर को झुका और झुका करके सर को और फिर से लेफ्ट हैंड से देखिए कि सर से ठंडी या गर्म हवा चैतन्य की लहरियां आ रही हैं क्या? इसको आदि शंकराचार्य ने सलीलम सलीलम ऐसे कहा। तो प्लीज वॉच विथ योर लेफ्ट हैंड ऑन टॉप ऑफ योर फॉन्टेनेल बोन एरिया जैसे हॉट और कोल्ड Breeze coming out of your fontanelle bone area and put your right hand towards me. Heart chahe zara aage piche ghuma ke dekhi. Now, aap dono haath aakash ki okay. Aur sar bhi aakash ki okay. और इन तीन प्रश्नों में से कोई सा भी एक प्रश्न तीन बार पूछे। पहला सवाल, माँ ये क्या परमात्मा की प्रेम शक्ति है? माँ ये क्या परमात्मा की प्रेम शक्ति है? दूसरा सवाल, माँ ये क्या परम चैतन्य है? तीसरा सवाल, क्या माँ ये रूह? इसमें से कोई सा भी एक प्रश्न आप तीन बार पूछें। प्लीज रेज योर हैंड टुवर्ड्स द स्काई एंड पुट योर हेड अप एंड आस्क क्वेश्चन थ्री टाइम्स आउट ऑफ वन ऑफ द क्वेश्चंस आई टेल यू। मदर इट इज द कूल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट। मदर This is the divine love. Mother, is this the Paramachaitanya? Ask any one of these questions, three times. Ab aap niche kar lijiye. Please put down your hand. Now, aap jis cheez ke हाथ में उंगलियों में या सर से ठंडी या गर्म हवा आ रही हो वो सब लोग हाथ ऊपर करें और those who are getting cool breeze in both the hands or on your fingertips out of alternate bone please raise your hands please raise अनंत आशीर्वाद है सारे के सारे आप संत हो गए बड़ा कमाल अब आपको सिर्फ याद रखना है कि सहयोग का कार्य आज अकेले घर में नहीं हो सकता इसमें सामूहिक में आना जरूर क्योंकि ये सामूहिक कार्य क्योंकि दूसरा कोई है नहीं सब एक ही शरीर के अंग प्रत्यंग है और सामूहिक में आने से ही आपकी वृद्धि होगी और कोई इसका तरीका नहीं हो सकता है एक दो आदमी अजीब सजीब आपको मिल जाए क्योंकि सबके लिए दरवाजा खुला है पर सब लोग ठीक हो जाते
सब लोग ठीक हो जाते, बीमारियां ठीक हो जाती। तो इसलिए कृपया आप लोग सामूहिकता में आए और अपने आत्मा के प्रकाश में अपने चित्त को स्थिर कर लें और इसके कमाल देखें।